हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल को मिसाइल हमलों से दहलाने का सिलसिला जारी रखा है। 21 अगस्त 2024 को लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने इसराइल पर कत्यूशा रॉकेटों की बौछार की। इस दौरान लड़ाकों ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले को अंजाम दिया। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान के स्नोबार बेस को भी निशाने पर लिया। गाजा के समर्थन में उत्तरी इसराइल के हमले शुरू होने के बाद से ये स्नोबार बेस पर हिजबुल्ला का दूसरा हमला है। लेबनानी सीमा से 18 किलोमीटर दूर स्नोबार बेस को इजरायली सेना की उत्तरी कमान का एक प्रमुख फैसिलिटी माना जाता है। ये पैदल सेना के सैनिकों के लिए ट्रेनिंग कैंप के रूप में भी काम करता है। दावा है कि इसमें एक तोपखाना, गोला बारूद केंद्र भी है जो इजरायल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम से घिरा रहता है। बावजूद इसके हिजबुल्ला के रॉकेटों ने सेंध मारी कर इजरायली खेमे में जबरदस्त खलबली मचा दी। समूह ने यहाँ इजरायल के बड़े नुकसान का भी दावा किया है। हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान खास तौर से बीट लीफ पर इजरायली हमले से तमतमाया हुआ है। लड़ाकों ने जवाबी पलटवार करते हुए एक सटीक हमले से हदाब यारोन साइट को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उसी साइट को फिर तोपखाने के गोले से भी हमला किया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने जेरिट मिलिट्री एयरपोर्ट के पास इजरायली सैनिकों की एक टुकड़ी पर भी हमला किया। इजरायली मीडिया ने हिजबुल्ला के हमलों की पुष्टि करते हुए बड़े हमले की जानकारी दी। लेबनान से उत्तरी इसराइल की ओर 60 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए। इससे 5 से ज्यादा इजरायली घायल हो गए, जबकि गोलान हाइट्स की कैटजरीन में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। खास बात है कि हिजबुल्ला इजरायली सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने कैटजरीन और गोलान हाइट्स में नागरिक आबादी के पास रॉकेट बेराज से हमला किया। आम इसराइलियों पर हमले होने से इसराइली पीएम नेतन्याहू के लिए मुसीबत बढ़ गई है। हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इसराइल के हजारों घर तबाह हो गए हैं। सायरन की आवाजों के बीच लोग डरे और सहमे हैं। दावा है कि हिजबुल्ला कमांडर फवाद शुक्र की मौत के बाद से हिजबुल्ला ने पहली बार इसराइल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने नागरिक बस्ती को सीधे निशाना बनाया है। इजरायली रेडियो ने बताया कि रॉकेट हमले के बाद इजरायली सेना ने गोलान में कई सड़कों को बंद किया। इस बीच कैटजरीन में इजरायली निवासियों को सुरक्षा के लिए बॉम्ब शेल्टर्स में रहने की सलाह दी गई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अग्निशमन दल कैटजरीन में जमीन पर है, जहां सीधे हमलों के कारण आग लगी है और चोटें आई हैं। रॉकेट हमलों के चलते कब्जे वाले गोलान हाइट्स में बार बार सायरन बजता रहा, जबकि एक रॉकेट नहारिया के पास अलर्ट सायरन को चकमा देने में कामयाब रहा। वहीं सफद के ऊपर भी धमाके सुने गए। कैटजरीन में हिजबुल्ला के हमलों के बाद पूर्व इजरायली पीएम और विपक्षी नेता यायर लैपिड ने सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया है। इसमें इजरायल के उन इलाकों को दिखाया गया है जहां सायरन बज रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के उत्तर में एक दिन और अब कैटजरीन शहर में सीधा हमला, सरकार ने उत्तर खो दिया है। वहीं गोलान रीजनल काउंसिल के प्रमुख ने प्रतिरोध के हमलों से लगी आग के पास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक नई सच्चाई है, इजरायली सरकार को इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। उत्तरी इसराइल के लोग बीते 10 महीनों से अपना असंतोष जता रहे हैं। इजरायली सरकार उत्तरी बस्तियों पर हमलों को रोकने में फेल रही है, जिससे पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार सवालों के कटघरे में है। गौरतलब है कि इजरायली सेना भी लगातार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों और उनके रॉकेट लॉन्चर साइट पर बमबारी कर रही है। बताया जाता है कि पिछले साल अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 400 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाके हैं, तो वहीं 150 से ज्यादा आम नागरिक भी शामिल हैं।